मंडी जिला के गोहर के मुख्य द्वार चेल चौक में कोरोना को लेकर प्रशासन की कोई चूक ना हो, इसके लिए गोहर पुलिसकर्मी व वन विभाग की टीम द्वारा सतर्कता से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि चेल चौक में बने फॉरेस्ट गार्ड की चेक पोस्ट पर टीम किसी भी भारी गाड़ी की आवाजाही को लेकर स्थिति को नियंत्रित करने में प्रत्येक गाड़ी की तलाशी ले रही है। साथ ही गाड़ी चालकों व आम जनमानस को कोरोना वायरस को लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी दी जा रही है। खास बात यह भी है कि कोरोना को लेकर यहाँ की जनता भी नाके के दौरान अपना सहयोग प्रशासन को दे रही है। ये जो फॉरेस्ट बैरियर है और इसमें जो गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हर आदमी की चेकिंग हो और लोग भी उनका साथ दें, ताकि हर डिपार्टमेंट का उनकी इज्जत करें और प्रशासन की भी इज्जत करें। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट हो, हेल्थ हो, IPH हो, PWD हो, सभी की जो है वो कहना माने और लोगों को जो है ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। और माननीय मोदी जी ने जैसा आज कहा कि 9 तारीख को संडे को जो है वो रात के 9 बजे जो है वो सभी ने अपनी अपनी घर की बालकोनी में लाइट ऑफ कर जो है इसका एक संदेश देना है कि हम 130 करोड़ जितने भी भारतवासी हैं वो इकट्ठे हैं और हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, ताकि ये जो हमारी महामारी आई है इससे हमें निजात मिले। हम परमात्मा से भी ये दुआ करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री को ये ताकत दे और लोग भी इस बात को समझें, सब मिलकर जो है इस देश को इस बीमारी से छुड़ाकर आगे बढ़ें। थाना प्रभारी गोहर सुरम सिंह दिमहान ने अपने स्तर पर भी विभिन्न हॉटस्पॉट पर नाका लगाकर खुद गाड़ियों की आवाजाही पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जो भी गाड़ी चेल चौक मुख्य मार्ग से गुजर रही है, उन गाड़ियों पर तीसरी आंख सी यानी कि CCTV के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। यहाँ चेल चौक में जो भी गाड़ी आ रही है, जा रही है, जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर से जो स्थानीय निवासी जो भी आ रहे हैं, उसका हमारे पास रिकॉर्ड हमारा जो CCTV कैमरा लगा हुआ है इसमें भी रिकॉर्ड दर्ज होता है। और जो यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस का नाका भी लगा हुआ है जो बहुत हमारी भी सहायता कर रहा है और स्थानीय लोग भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसमें जो भी सरकार के नियम है उनका पालन अच्छी तरह से किया जा रहा है।